हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 बज रहा है और इस समय का व्यू देख सकते हैं। आज भी दोस्तों काफ़ी धूप होने वाला है क्योंकि टहकार धूप है सुबह सुबह ही। सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार का है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं माल सरियाने क्योंकि माल से बहुत जो है ना इधर उधर हो गया हुआ है। देख सकते हैं इधर सबको अच्छे से सरिया लेते हैं। कुछ आइटम कम भी है तो डाल लेंगे इधर से लेकर के, तो सबको सरिया करके रेडी कर लेते हैं और लगभग 8:45 बजे के आसपास से निकलेंगे। फिर पहले चलते हैं, अभी फिलहाल सबको सरिया लेते हैं अपना सबको, क्योंकि इतना रेडीमेड में जो है ना इतना सारा आइटम हो जाता है कि ध्यान रखना पड़ता है। नहीं सरियाएंगे तो कितना माल है क्या है भूल जाएंगे, फिर गायब भी होगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए माल को अच्छे से सरियाना, गिन गिन करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके रेडीमेड कपड़ा में। रेडीमेड कपड़ा बहुत सारा मेल से रेडीमेड कपड़ा का बिजनेस होता है, धंधा होता है। इसलिए दोस्तों बिक्री से ज़्यादा कपड़ा पर ध्यान रखना पड़ता है। अभी चलते हैं दोस्तों, सरिया लेते हैं सबको। माल पूरा सरिया लिया, देख सकते हैं ढक दिया हूँ। गर्दा उर्दा पड़ते रहते हैं ना, साइड में रोड है तो गाड़ी चलता है तो पड़ता है गर्दा, इसलिए ढक दिया हूँ, देख सकते हैं उसको। और इधर भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है, और गमछा और झोला ये भी रेडी कर लिया हूँ। इधर सरवन है, चल सरवन नहा है। तो चलते हैं दोस्तों, स्नान स्नान करते हैं। टाइम 7:30 हो रहा है अभी। अभी देख सकते हैं धूप कितना काफ़ी आ गया है, चलते हैं स्नान करने। तो टाइम अभी 12 बज रहा है और जैसे ही मैं स्नान किया हूँ सुबह और फेरी पर जाने के लिए सोचा हूँ, लेकिन नहीं जा पाया हूँ क्योंकि जब फेरी पर जाने का तैयार हुआ हूँ तो घर में जो है ना वाइफ हो गया या दोस्तों बच्चे सब हो गया, वो परेशान करने लगे हैं, जिसकी वजह से मुझे टेंशन ज़्यादा होने लगा है। और थोड़ा भी मात्र कितना लगभग आधा घंटा के अंदर में ही मेरा माइंड डिस्टर्ब होने लगा है, जिसकी वजह से मैं फेरी पर न जा करके मैंने माल लाने सोचना हो जाने के लिए, थोड़ा पैसा था उसी से, लेकिन माल लाने भी नहीं जा पाया हूँ। अभी मैं यहाँ पे मठ है, शंकर जी का मंदिर है, यहीं पर बैठा हुआ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो भी बताता हूँ वो बताता हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है। जब काम करना चाहते हैं, जब काम पर जाने की सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा मैं खुद ही निगेटिव हो जाता हूँ, नकारात्मक बातों से भर जाता हूँ। और ये दोस्तों हमारे घर पर रहने से ज़्यादा होता है, मैं रियल बता रहा हूँ। और जब फेरी या काम करते हैं तो मैं जब घर से निकलता हूँ उस समय बहुत ही डिस्टर्ब रहता हूँ। मेरा कभी कभी माइंड करता है कि घर से 2-4 किलोमीटर दूर पर जा करके जो है रूम ले ले और वहाँ से फेरी करें, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि घर पर रहने की आदत बन गया है। और सोचने भी लगते हैं कि दोस्तों जो खर्चा हमको उधर रूम रेट देने में खाना पीना में लगेगा, वही खर्चा अगर घर में करेंगे तो पूरा फैमिली के नज़दीक में रहेंगे, नज़र में रहेंगे तो सही रहेगा। तो ये सोच करके मैं बाहर रूम नहीं ले पाता, लेकिन बाहर रूम न लेने का नतीजा यही होता है कि मैं घर से जब बाहर निकलता हूँ तो सही रहता हूँ, पूरी तरह से पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन घर पर जाते ही मैं निगेटिव हो जाता हूँ। माहौल के हिसाब से भी हो सकता है और घर की स्थिति के हिसाब से भी। स्थिति चाहे दोस्तों कोई भी हो, लेकिन लगातार काम नहीं कर पाते हैं, लगातार फेरी पर नहीं जा पाते हैं। और दोस्तों घर से जब चलते हैं ना फेरी के लिए निकलते हैं या कोई भी काम के लिए निकलते हैं तो दो बातें मन में आता है, एक सही बात और एक गलत बात। एक माइंड में आता है, एक दिल में आता है। दिल वाला बात जो होता है ना अच्छा होता है, दिल कभी गलत काम करने को नहीं कहता है, लेकिन मन जो है ना मन के बहकावा में आकर के गलत काम में चले जाते हैं। गलत काम का मतलब है कि जैसे कि मैं आज ही घर से निकला हूँ तो उस समय मेरा दिल कर रहा था कि फिर वह जाऊँ, लेकिन मेरा मन जो है ना मन कर रहा था कि फिर पर मत जाओ क्योंकि निगेटिव हो गया, इसलिए तो दिल का बात ना मानकर मन का बात हमने मान लिया। इसलिए अभी जो है ना हमारे पास दिल पर मन हावी हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों लगभग 1 बजने वाला है तो रुकते हैं और थोड़ा देर लगभग शाम तक रुकेंगे यहीं पे, फिर चलेंगे।